subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सदनसार इलाके में, जहां पर कुछ बच्चे नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, जहां पानीपत में थर्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ होने वाला है। कुछ बच्चे जा रहे हैं, हम बात करेंगे टीचर्स, जो बैडमिंटन टीचर्स हैं, इनसे कि आखिर कौन सी प्रतियोगिता है, कहाँ पर है, जी बताएँ किस तरह की ये प्रतियोगिता है, किस प्रकार के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता नेशनल, थर्ड नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप है। सेल्वो स्पोर्ट्स जो संस्था है वो पानीपत में, हरियाणा पानीपत में वो इसको करा रही है, जिसमें अन्य गेमों के साथ भी ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रही है। इस चैम्पियनशिप में हमारे जनपद के जो बच्चे हैं, जिनको कि हमारी एकेडमी ने इनको ट्रेन किया है, खेलते हैं, अच्छा तैयार किया है, तो इनका सिलेक्शन अभी हुआ है यूपी टीम में। यूपी टीम खेलने जा रही है थर्ड नेशनल, जहां हमारे पूरे बच्चे नेशनल को पार्टिसिपेट करेंगे, और ये बच्चे खेलने के वहां जीतेंगे तो इनको प्राइज मनी भी है जीतने पे। ये सब बच्चे छोटे परिवार के, ललितपुर के पिछड़े इलाके के हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। कोविड 19 होने के बाद भी वो बिल्कुल पालन करते हुए अपना पट्टा लगा के, सैनिटाइज करते, ये सब करके ये आए हैं, इन्हें तैयारी की है, और हमें इन बच्चों से उम्मीद है कि ये बच्चे पानीपत हरियाणा जाकर हमारे ललितपुर का नाम, और चूंकि स्टेट टीम में ये सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे स्टेट टीम में वहाँ जाके हमारे जनपद का भी नाम करेंगे, स्टेट का भी नाम करेंगे। 11 तारीख को इन बच्चों को हमारी टीम रवाना होगी ट्रेन से पानीपत डायरेक्ट, और इनको 12, 13, 14 तीन दिन इनको वहाँ अपना पार्टिसिपेट करना है, और तीन दिन खेलने के बाद फिर ये 15 को यहाँ वापस आएंगे। इसमें बता दें कि स्पोर्ट्स जो यूपी स्पोर्ट्स है फेडरेशन, उन्होंने हमें जो है यूपी टीम का जो राष्ट्रीय स्तर पे खेलने जाएगी अभी, उसका हमें खुद को कोच बनाया है, खासतौर से बैडमिंटन का। तो इन बच्चों के बैडमिंटन के कोच हम नेशनल पार्टिसिपेट कराएंगे, हम खुद कराएंगे। इन सब बच्चों ने जो है ऑनलाइन फीस भरी है, जो होती है बाकायदा के, एक बच्चे की 3,000 फीस लगी, फिर इसकी है ट्रक सूट वहाँ मिलना है, प्राइज मनी टूर्नामेंट है, तो ये बच्चे पार्टिसिपेट करने के बाद आके इनको खुद को इनाम मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेंगे, और अपने जनपद का नाम होगा, और जनपद बुंदेलखंड जैसा ललितपुर, ये पिछड़ा हुआ जनपद, जहाँ के बच्चे ये हमारे 11-12 ये सब बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, तो हमें बहुत ही खुशी है, और इन बच्चों पर गर्व है कि इन्होंने जो है यूपी में भी अपना नाम इसमें कर लिया है टीम में, और ये वहाँ अपना जौहर दिखाएंगे, और उम्मीद करता हूँ ये सब बच्चे वहाँ से खेल के आएँ और हमारे जनपद का नाम करें, स्टेट का नाम रोशन करें। और एक खबर और अच्छी है कि वहाँ इंटरनेशनल सिलेक्शन भी होगा, इन बच्चों में से अगर कोई जीतता है और फर्स्ट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज है, और उसके बाद अगर फर्स्ट आता है सेकंड आता है, तो इनको आगे जाने के लिए इंटरनेशनल जो आगे कार्यक्रम होगा उसमें भी हमारे बच्चे जाएंगे, ये वाले बच्चे भाग लेंगे, आ रहे हैं प्रतियोगिता में भाग लेंगी, तो किस तरह उनमें उत्साह है, क्या नाम है, आज आप लोग चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, क्या उम्मीद से जा रहे हैं, क्या उमंग से जा रहे हैं? मेरा नाम सुधीर पटेल है, और मैं यहाँ ललितपुर ज़िले के पास एक गांव है मसराकुर, जहाँ की रहने वाली हूँ, और मेरे पापा एक किसान हैं। मैं यहाँ जमीन सर स्पोर्ट अकेडमी में बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम लोगों को यूपी टीम में नेशनल खेलने के लिए पानीपत हरियाणा जाना है, तो हम लोगों को मतलब बहुत खुशी हो रही है कि चलो हम लोग का सिलेक्शन हो गया है, अब आगे जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे जाकर जीतेंगे और ललितपुर का नाम, और जैसे स्टेट की टीम जा रही है तो स्टेट का भी नाम कर पाएँ। नेशनल में जा रही हैं आप खेलने, तो आपको कितना उत्साह है, आपकी साथी हैं जो, कितना उत्साह है? जितना उत्साह हमें उतना ही सबको है, सब लोग मतलब ये है कि कुछ करें हम लोग आगे अपनी अकेडमी का और ललितपुर का नाम रोशन करें। मेरा नाम ऋषिका खान है, एंड मेरे पापा मैकेनिक की गाड़ी मतलब गाड़ी वाड़ी सब चलाते हैं, एंड हम सब लोग हरियाणा पानी पर जा रहे हैं, और हमारी टीम जा रही है ललितपुर यूपी स्पोर्ट्स से। कैसा लग रहा है आपको एक टीम के साथ जाने में, वो भी नेशनल खेल के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग नेशनल बैडमिंटन के लिए प्रतियोगिता के लिए जा रही हैं पानीपत, आपको कैसा लग रहा है, आप सबकी साथियों के साथ? हमें बहुत खुशी है कि हम लोग को नेशनल खेलने का मौका मिला है, और हम लोग यही चाहते हैं कि जो यूपी के जो बच्चे हैं नेशनल खेलने जा रहे हैं वो जीत कर ही आएँ, और जो मतलब ललितपुर की स्थिति है बाहर से थोड़ी सी नीचे ही है, लेकिन हम लोग जो ललितपुर का नाम गौरव करना चाहते हैं, ऊँचा करना चाहते हैं कि हम लोग का ललितपुर का नाम भी एक ऊपर आए, कि ललितपुर भी जाना जाना चाहिए, कि ललितपुर भी एक
जिला है। आप लोग पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं क्या? पहले भी लिया है कभी? हम लोग एक बार जा चुके नेशनल और अब ये सेकंड बार है हम लोग का, थर्ड नेशनल है। इंटरनेशनल के लिए हम लोग का सिलेक्शन हुआ था पर कोविड-19 की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे, इसलिए अब ये नेशनल थर्ड है। तो अब इसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग नेशनल से इंटरनेशनल पहुँचें। यादव है और मेरे पापा रिफ्यूज़ कलेक्टर हैं। मैं जमील सर कोचिंग में पढ़ती हूँ और बैडमिंटन खेलने के लिए हम लोग आते हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है कि, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल में। मैं एक बार और नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी तो हम लोग गए भी थे और फिर हमारा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि ये कोरोना आ गया था, इसलिए इसकी वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, मलेशिया जाना था हम लोगों को। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबके लिए खुश हूँ, मैं अपने लिए भी बहुत खुश हूँ कि अब हम लोगों का नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया है और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इंटरनेशनल को मैं चयनित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जी। मेरा नाम कौस्तुभ सक्सेना है, मैं नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हुआ है, मैं पहली बार जा रहा हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड मैं बहुत खुश हूँ मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। और हम लोग के कोच भी बहुत अच्छे हैं जो हम लोग को बहुत कुछ सिखाते हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। ठीक है, तो ये अपन को अच्छा।